in the wrist out. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह के 6:40 हो रहे हैं और हम आज काफ़ी जल्दी उठे हैं, 5 बजे उठे हैं, गए हैं घूम घूम के आए हैं। भाई सुबह घूमने का मज़ा ही भाई एकदम ज़बरदस्त वाला होता है, क्या फील आती है, क्योंकि सुबह में उठो घूमो तो एकदम माइंड फ्रेश रहता है, लोग सच ही कहते हैं। अब जो 9-10 बजे सो के उठता है, मैं ही खुद उठता था भाई, तो वो मज़ा नहीं है यार। दिन भर एकदम लगेगा कि शरीर बॉडी में एकदम आलस बना रहता है। तो भाई अब यही सोचे हैं कि इधर थोड़ा ठंडी भी आएगा, अब घूमना है, उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठना है। और सोचा है आज कि उठूंगा घूमूंगा, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आप लोग से अपडेट दिए हुए, तो आज से सोचा हूँ कि ब्लॉग डालूंगा, चाहे हफ्ते में एक ब्लॉग आए भाई आएगा, अपडेट रहेगा। आप लोग सोचते होंगे कहता एक्टिव रहूँगा फिर भाग जाता पता नहीं कहाँ, तो भाई अब ऐसा नहीं होगा। सोचा हूँ कि मतलब ब्लॉग चाहे हफ्ते में एक आए लेकिन आएगा ज़रूर। तो आप लोग चैनल पे थोड़ा भाई नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर लीजिएगा, हर अपडेट वहीं मिलेगा। और सुबह का भाई क्या ख़तरनाक वाला धूप निकलने वाली थी, लेकिन फिर बादल हो गया, क्या ख़तरनाक मौसम आ रहा है। तो आप लोग को दिखाते हैं, ये देखो क्या गजब वाला नज़ारा आ रहा है, ये मेरे छत से व्यू है, कुछ देख रहे हैं क्या ख़तरनाक वाला व्यू दिख रहा है भाई बादल का। ये देखिए धूप निकल रही थी थोड़ी बहुत, धूप निकल रही थी भाई देखो, लेकिन ये देखो लेकिन नहीं निकली बारिश की वजह से। और बारिश मतलब बारिश की ज़्यादा चांसेस है कि बारिश होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और अभी मैं एकदम लग रहा हूँ अजीब तरह ना, कमेंट नहीं करेगा कोई, क्योंकि अभी अच्छा मैंने नहाया धोया नहीं है बिल्कुल भी, घूम के आया हूँ तो बस जस्ट ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद फिर अभी नहा धो के आप लोग को मिलते हैं, उसके बाद कॉलेज जाना है, वहाँ का भी कुछ ब्लॉग दिखाएंगे, स्किप मत करना, आज जो दिन में होगा वो अपडेट आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर से आपसे नहा धो। तो फाइनली गाइस हम लोग जैसा कि नहा धो के रेडी होके एकदम निकल चुके हैं कॉलेज के लिए, तो बस पहुँच रहे हैं कॉलेज कुछ ही टाइम में। ये देखिए कॉलेज का हमारे कुछ नज़ारा, कॉलेज का क्यों कुछ व्यू सिनेमैटिक व्यू जैसा कि इंटर कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज, ये है हमारे कॉलेज का कुछ सीन, देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये हमारे बक्सुल्ला भाई, ये हमारे मुस्तकीम नेता। तो अभी जा रहे हैं भाई कुछ क्लास व्लास करने, उसके बाद क्लास हो जाए फिर आपको आगे का कुछ बताते हैं। तो बस यही तैयारी चल रही है टूर की, हम लोग टूर जाने वाला है, आप लोग को बताना नहीं था लेकिन बता दिया। 2 दिन के बाद संडे के दिन हम लोग का मतलब सब्जेक्टली टूर जाएगा, तो उस दिन बहुत मज़ा आने वाला है, उस दिन का ब्लॉग बनेगा, आप लोग मिस कर दीजिएगा। अब्दुल्ला भाई टूर जाना है यार, मुस्तकीम बोलो भाई कुछ, ए मुस्तकीम पर क्या चल रहा है। तो भाई टूर की तैयारी चल रही है, लिस्ट बन रही है टूर जाना है। तो हम लोग आए तो चौराहे पे जैसा कि कुछ काम था, कुछ लेना था, कुछ दवा वगैरह, ये हमारे इटवा का चौराहा देख सकते हैं, पता ही होगा ये कॉम्प्लेक्स। देखो मुस्तकीम दवा ले रहा है, वहाँ पे कुछ दवा लेना था। तो क्या हुआ यार आज राजीव का क्लास नहीं चला, सर कहीं गए क्या, और तो बढ़िया है। देखो भाई ये सब लोग है, हम लोग का क्लास खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं हम लोग नीचे, नीचे से फिर घर जाएंगे, नीचे से फिर ऊपर आएंगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। तो यार क्लास व्लास हम लोग का ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, बैठेंगे यहाँ पे, देखिए कॉलेज की सीट पे यहाँ पे, फिर थोड़ा मज़ा वजा करते हैं भाई। मज़ा आया, क्लास हुआ एक क्लास कौन सा था हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली राजनीत का क्लास नहीं हुआ, सर कहीं चले गए हैं तो इसलिए नहीं हुआ। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, डिस्कस होता है, उसके बाद चलते हैं फिर। तो बज रहे हैं 1:35 हो रहे हैं अभी, और हम लोग आए अभी तुरंत कॉलेज से, 5 मिनट हुआ भाई, धूप बहुत तेज़ है। खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप। भाई यार इटवा का इतना बड़ा मुद्दा देखो, ये भाई यार इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। चाय की हमें लग रही थी बहुत तेज़। आगे जो ब्लॉग दिखाते हैं आप, ये हमारे इटवा का ब्लॉग देखो, काफी ये है।
अच्छा थी यार। हमने अपना हेयर क्रीम ऑर्डर किया था, अभी तक आया नहीं है, मतलब उसका अपडेट नहीं मिला, 3-4 दिन हो गया। सोचे थे कहीं जाना है वहाँ, आ जाता तो ठीक रहता उससे पहले। मिलते हैं और मिलते हैं फिर आगे, और क्या है तो फिलहाल अभी तो हम लोग चल रहे हैं बंडी रोड पे। ये देखिए सिराज भाई का दुकान। भाई हम लोग आए थे बंडी रोड पे अचानक से, तो हमारे चुन्नू भाई मिल गए। चुन्नू भाई आप फैजान और फैजान भाई जो कि हमारे इटवा के एकदम चुन्नू आटा पार्ट के फेमस ओनर है। चुन्नू भाई कुछ बोलो बे। चुन्नी माय फ्रेंड है का लुल्ली बचपन वाला फ्रेंड है चुन्नी मेरा। ये अपना रेहान भाई का चाय का ऑर्डर दीजिए। चंद्रा भाई बैठिए। भाई साहब क्या हुआ? 300 किस चीज़ का? बदलवा लो यार। और शादाब भाई बताइए आपकी खूबसूरती का क्या राज है? देखो हमारे रेहान भाई आ रहे हैं। रेहान भाई नहीं आप लोग पीजिए हमारा क्या, हम तो आते रहते। देखो भाई भाई ने नया फ़ोन लिया है, इसका लुक तो एक नंबर आ रहा है यार, कसम से ज़बरदस्त है ये हमारी ले। कवर लगा लगा कवर, ये हमारी चाय। ये है भाई एक रिव्यू। देखो ये हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में भाई। ये हो ये हमारे टॉप कार का कुछ नज़ारा। वो सब लोग बैठे हैं तो चलो भाई घर नहीं चलना है क्या? अंधेरा हो गया है, जाओ पोस्ट मत दो यहाँ, फोटो नहीं खींचा जा रहा है। तो मैंने फोटो भाई आएगा क्यों नहीं। तो देखो भाई पार्क का कुछ नज़ारा, सनसेट गजब। तो भाई आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे करते हैं एंड, और हम लोग इसका व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। और जो जो व्लॉग में मतलब अपडेट रहेगा वो बताया जाएगा, आगे भी वीडियो आएगा। जब तक जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो लोग के फॉलो कर लेंगे, वहाँ से मिलता रहेगा। और अब डेली अपडेट रहने की कोशिश होगी, डेली अपडेट आएगा, कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। Got the gold chain and the wrist out to the...